अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम लोग अल खैर सेंटर में मौजूद हैं। ये अल खैर सेंटर जो है ये बेसिकली एक इदारा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है और इस फ्री ऑफ कॉस्ट चलाने में ये इसमें स्कूल भी है, स्कूल के साथ ये कॉलेज भी है जो कि इंटर तक तालीम देते हैं और उसके साथ साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एजुकेशन भी दे रहे हैं, यानी कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ करा रहे हैं जो कि 6 मंथ के कोर्सेज होते हैं, उनके सर्टिफिकेट देते हैं और फिर ये जो यहाँ से बच्चे सर्टिफिकेट हासिल करके टेक्निकल ट्रेनिंग हासिल करके जाते हैं वो मुख्तलिफ़ इदारों में जॉब भी करते हैं, कुछ अपना बिजनेस भी करते हैं। तो हम आए हैं यहाँ पे, इनका एक आज इवेंट था, इस इवेंट में इनसे जो इसके ऑनर हैं मोहम्मद मज़ाहिर शेख साहब, मोहम्मद मज़ाहिर शेख साहब से हम जानते हैं ये इदारा इनको शुरू करने का ख्याल कैसे आया और कब से ये इदारा शुरू हुआ है और इसको यहाँ तक लाने में इनकी क्या एफर्ट्स हैं। जी मोहम्मद मज़ाहिर साहब, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि इतना कामयाबी से ये इदारा आप चला रही हैं और आज एक अच्छा इवेंट भी आपने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो सबसे पहले तो बताएं कि किस तरह से आपको ये ख्याल आया और किस तरह फिर आप इसको लेके आगे चले। असल में बहुत सिंपल बात है कि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि करोड़ों बच्चा है और उनमें कहते हैं कि 1 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता। तो 1987 में मैंने ये सोचा कि किसी तरह से ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते उनको पढ़ाया जाए और 1987 से पहले दूसरे काम मैं कर ही रहा था, मसलन लोगों को राशन बांटना या खाना तकसीम करना वगैरह, लेकिन मैं देख रहा था कि कोई चेंज नहीं आती इस काम से। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि नहीं, तो ये एक वो जगह थी जहाँ मैंने फ़ैसला करके यहाँ पर एक झोपड़ी से इसका आगाज़ किया था 1987 में और मैंने सोचा कि बच्चों को कम से कम मैं 5वीं क्लास करा दूं तो इनफ होगा। लेकिन हुआ ये कि बच्चों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चों ने मैट्रिक भी किया, फिर हमने कॉलेज भी खोला। तो इस तरह से इन कच्ची आबादियों के बच्चे जो हैं, सराउंडिंग में हमारे बहुत सारी हैं कच्ची आबादियाँ, वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ से माशाल्लाह से इंटर करते हैं, फिर वहाँ से इंटर करने के बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में भी जाकर पढ़ते हैं और उनके यूनिवर्सिटी के ख़र्चे भी जो हैं वो अल खैर देता है। अच्छा मज़ाहिर साहब, ये भी बताएं कि ये ठीक है माशाल्लाह से कि आपको ख़्याल आया कि इतने सारे जो बच्चे हैं वो एजुकेशन से महरूम हैं। अच्छा, ये जो इदारा आप लेके चल रहे हैं तो इसमें किस किस तरह से आपको सपोर्ट मिली और क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को बताएं। असल में अगर आपका इरादा है पक्का, अल्लाह पे यकीन है और दिन और रात यकसुई से काम करें तो फाइनेंशियल सपोर्ट इतना इशू नहीं करता। फाइनेंशियल सपोर्ट के तो मैं हैरान हूँ, 37 साल में किस तरह से अल्लाह ने मदद की है और बाद औक़ात तो ऐसा हुआ है कि मौजज़ाती तौर पर हुई है, यानी मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये तो इशू इतना नहीं है कि अल्लाह मियाँ जो हमें ज़रूरत होती है अल्लाह मियाँ ग़ैब से मदद करते हैं हमारी। सबसे बड़ा इशू ये है कि हम चैलेंज को कबूल करें, यानी बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा, उसको पढ़ाना है, उसको मोटिवेट करना है, उसके वालदेन काम पे लगा देते हैं, थोड़ा सा 6वीं 7वीं बच्चा है काम पे बिठा देते हैं, लड़की को घर में बिठा लेते हैं। ये चैलेंज और उस पर काम करना बहुत मुश्किल काम है। फिर नंबर 2, यहाँ पर ज़ाहिर है आपको पता है पाकिस्तान में ये नर्सरी है बच्चों की, गरीब आबादियाँ, चूँकि ये बच्चे बड़े होने के बाद मुख्तलिफ़ माफियाज़ के हाथों में चले जाते हैं और उनके लिए बड़ा काम करते हैं। तो ज़ाहिर है अगर बच्चों को एजुकेट करेंगे, शऊर देंगे तो ये फिर वहाँ से नहीं जाएंगे। तो ये भी एक यहाँ पर मुश्किलात आई, क्योंकि पॉलिटिकल है, रिलीजियस इशूज़ हैं और ड्रग के इशूज़ हैं। ज़ाहिर है ये बच्चे बड़े होकर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में ये उनके लिए काम करते हैं। तो अगर आपने हर कच्ची आबादी में एक स्कूल खोल दिया और हर कच्ची आबादी में 100% बच्चों को पढ़ा दिया जैसा कि यहाँ हमने पढ़ाया, तो 0% पर अब ये बच्चे उनके इस्तेमाल में नहीं हैं। तो इसका मतलब ये कि जब मैं आया था 87 में मैं आया था तो यहाँ पर तकरीबन 80% बच्चा इस्तेमाल में आ रहा था, लेकिन जब यहाँ पर एजुकेशन आ गई 100% बच्चों में तो ये 0 पे आ गया। तो ये एक मॉडल है पूरी दुनिया के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए कि कच्ची आबादियों में स्कूल खोले जाएं और उनको वहीं पढ़ाया जाए। वहाँ से दूर नहीं, दूर वो अपनी शख्सियत को भूल जाते हैं, शनाख्त भूल जाते हैं। बेहतर ये कि हर कच्ची आबादी में, इसलिए में हमने 8 स्कूल खोले मुख्तलिफ़ कच्ची आबादियों में, और वहाँ की किस्मत बदल गई। बोले तो इस तरह से मेरा ये पैगाम है कि किसी तरीके से इस बात को हम समझें, चूँकि चैरिटी तो करने वाले बहुत, पैसा देने वालों की लाइन लगी हुई है। आपको पता है कि पाकिस्तान में, मैंने एक प्रोग्राम देखा टीवी पे, पाकिस्तान में एक साल में 14 खरब रुपए, ये 2014 का प्रोग्राम देखा था, 14 खरब रुपए पाकिस्तान में चैरिटी के आते हैं, जिसमें बाहर से आते हैं, लोकल लोग देते हैं, इतनी ज़कात, इतने पैसे जमा हो रहे हैं। लेकिन गुर्बत बढ़ रही है, जहालत बढ़ रही है, इसका मतलब कि पैसा सही डायरेक्शन में, सही सिम्त पे नहीं जा रहा। इसके लिए ज़रूरी है 14 खरब रुपया, अरब नहीं खरब, ये 14 खरब रुपया अगर एजुकेशन पे एक दफ़ा लगा दें 20 साल के लिए, मैं समझता हूँ फिर चैरिटी ज़ीरो हो जाएगी। और यही एक रास्ता है एजुकेशन, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप खाने खिलाते रहिए, राशन बांटते रहिए, रमज़ान में कोई कहता है मैंने 10 लाख को बांटा, अगले साल वो 20 लाख को बांटेगा, ये कोई कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि हमने कितने बच्चों को एजुकेट किया, और वो बच्चा फिर कभी, और मैं बता रहा हूँ कि जितने बच्चे यहाँ से 15,000 बच्चे पढ़ के गए, इतने खुददार हैं, नहीं मांगते, मेहनत करते हैं, और मेहनत करके जो भी उनकी इनकम है उसी में गुजारा करते हैं। तो यही कामयाबी के इंसान में खुददारी पैदा की जाए, और एजुकेशन से खुददारी पैदा कर सकती है, और कोई रास्ता नहीं है खुददारी पैदा करने का, और खुददारी से ही कौमें बनती हैं। तो इसलिए मैंने इस स्कूल का जब आगाज़ किया था, उस वक्त ये ख्याल था, ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब मुझे अपनी ज़िंदगी अल्लाह ने मुझे दी, ये ख्वाब मैंने पूरा होता हुआ देखा। और लोगों को, उन बच्चों को जिनके वालिदैन कभी लाइन में खड़े होते थे राशन की, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे अच्छी जॉब कर रहे हैं, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और यही एक चेंज है किसी कौम की, कि हम वो रास्ते बंद कर दें जिसमें लोग भीख मांगते हैं और अपने पैरों पे नहीं खड़े हो पाते कभी भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल खैर ने हज़ारों बच्चों को पैरों पे खड़ा दिया। इंशाल्लाह आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस काम को जारी रखे, ताकि मज़ीद बच्चों को पढ़ा सकें। अच्छा मोहम्मद मज़ाहिर साहब, ये भी बताइएगा कि आपके इदारे से जो बच्चे तालीम हासिल करके गए हैं, जैसा कि आपने बताया कि 15,000 बच्चे जो हैं यहाँ से तालीम हासिल करके जा चुके हैं, तो वो किन किन इदारों में गए हैं, कोई ऐसे ख़ास नाम बताएं। और आपके इदारे में जो बच्चे इस तरह से आने चाहते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या किसी भी उम्र में आ सकते हैं, या क्या उसका कोई क्राइटेरिया आपने सेट किया है, ज़रा इसके बारे में बताएँ। अच्छा, ये असल में हम जो बच्चे लेते हैं, हमारी कोशिश से होती है कि जितनी ब्रोकन फैमिली है, गरीब तरीन फैमिली है, हमारा टारगेट तो वही बच्चा है, चूँकि वो पढ़ नहीं सकता। और उसमें ये होता है कि बिल्कुल स्लम में, जो यानी कि लोअर क्लास आप कह सकते हैं, उस फैमिली के बच्चे लेते हैं। लेकिन उसमें यह कि थोड़े से बेहतर बच्चे भी आ जाते हैं, तो लेकिन उनको भी एजुकेशन कहीं नहीं मिल सकती, तो उनको भी कुछ ले लेते हैं। तो अब ये कि ये बच्चे जब पढ़ के यहाँ से, हमने देखा कि इन्होंने मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में 3 बच्चों ने टॉप भी किया है, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन लिए। आप सोचें, जो बच्चा एक झोपड़ी में आँख खोलता हो, और वो कराची में जहाँ पर गुलशन इकबाल, डिफेंस, न जाने कौन कौन से बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में, वहाँ पर पोजीशन दी। फिर आप देखें कि इन बच्चों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये पाकिस्तान के हर महकमे में ये जा सकते हैं। ये बस ठेला ही चला सकते थे, मजदूरी कर सकते थे, और क्या कर सकते थे, चूँकि एजुकेशन नहीं थी। अगर बाप जो है मजदूरी कर रहा है तो बेटा भी मजदूरी कर रहा था। लेकिन आप देखें, उसी मजदूर का बच्चा आज तमाम सीमेंट फैक्ट्रियों में, दवाओं की फार्मास्यूटिकल कंपनियों में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, PSO में, और तमाम बैंक्स के अंदर ऑलमोस्ट कोई अदारा नहीं छोड़ा जहाँ पर ये बच्चा मौजूद नहीं है। तो ये देखें कि जो बच्चे कभी सोच नहीं सकते थे कि हम इस लेवल पर चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि ये सारे बच्चे पढ़ लिख कर इस काबिल बन गए कि इन्होंने इनकी ज़िंदगी बदल गई, इनका ख़ानदान बदल गया। चूँकि मैं एक वाक़या बताऊं कि मैं एक जगह कच्ची आबादी में अभी जो 2 साल पहले बारिशें हुई थी बहुत शदीद, तो वहाँ हम हाउसेस बना रहे थे, 30 हाउसेस बनाए थे। तो मैं वहाँ था तो मुझे एक खातून आई, मुझसे कहने लगी कि हमारा एक कज़न है, कज़न का बेटा है, उसने एक स्कूल से पढ़ा और उसने वहाँ से पढ़ने के बाद एक बहुत बड़ा अफसर बन गया और आज हमारे मसाइल हल करता है। मैंने उससे पूछा वो नाम क्या है उसका, तो उसने बताया तारिक शबीर। और तारिक शबीर यहाँ झोपड़ी में रहता था एक ज़माने में और वो यहाँ से फिर पढ़ के MBA उसने किया, फिर एबट में उसने जॉब की और एबट में एरिया मैनेजर बन गया। तो इस तरह देखें कि वो बता रही थी कि आज उससे, एक बच्चे से हमारा पूरा ख़ानदान बदल गया, हमारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो इस तरह से न जाने कितनी एजुकेशन में तब्दील आई होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस रास्ते को हमें इख्तियार करना होगा। और जो भी मेरी बात सुने ये सोच लें कि आपको कौम को बदलने का रास्ता, ख़ानदान को बदलने का रास्ता, फ़र्द को बदलने का रास्ता कोई नहीं है सिवाय एजुकेशन के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद मज़ाहिर शेख साहब। व्यूअर्स, आपने देखा कि मोहम्मद मज़ाहिर शेख साहब थे जो कि इदारे अल खैर के टेक्निकल के ऑनर हैं और इस इदारे को लेकर चले। और बहुत प्यारी बात इन्होंने की कि इस यहाँ के लोगों को एजुकेशन देनी है। एजुकेशन जब होगी तो मुल्क ख़ुद ब खुद जो है बहुत सारी प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाएगा। इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए इंजीनियरिंग पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।